हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आपके सामने एक बार एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे द्वारा किया गया काम, हमारा एक्शन हमारे शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो आने वाले वीडियो मिस ना कर सकें। तो दोस्तों, एक बार की बात है जहाँ एक राज्य में एक बार एक गुरुकुल था। वहाँ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है, तो दूसरे दिन सुबह वे सभी एक हॉल में इकट्ठे होते हैं जहाँ उनके अध्यापक उन्हें इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, तो गुरुजी आते हैं और गुरुजी पूछते हैं कि हमें इस बर्फ के साथ क्या करना चाहिए। तो पहला छात्र कहता है कि गुरुजी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मौसम गर्म हो जाए और बर्फ पिघल जाए। दूसरा छात्र कहता है कि हमें अपने अपने कमरों में कुछ दिन के लिए विश्राम करना चाहिए और देखना चाहिए कि थोड़े दिन बाद ये बर्फ अपने आप ही चली जाए। तीसरा विद्यार्थी कहता है कि अगर हमें जीवन का महत्व पता है, हम जीवन के सत्य को जानते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बर्फ है या नहीं। तब गुरुजी उन सभी को आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं। तब गुरुजी उन्हें कहते हैं, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, सभी अपने हाथ में फावड़ा ले लो और इस बर्फ को हटाओ। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल है, इस कहानी की शिक्षा है कि जब जीवन में हमें कठिनाइयां आती है, हमें प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें वो करना चाहिए जो महत्वपूर्ण है, एक्शन। हमें ना ही तो कंप्लेंट करनी है, ना ही हमें किसी से आशा रखनी है, ना ही हमें किसी दूसरे को दोष देना है। सबसे महत्वपूर्ण है तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन। तो हमारे द्वारा किया गया एक्शन ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताना ना भूलिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।